कैसे हैं आप सब लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जर्नी कर रहे हैं ट्रेन नंबर 22213 शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस इस ट्रेन में। इससे पहले आप मेरा जर्नी जो आया था अक्टूबर में, उसके बाद मैं जर्नी कर रहा हूँ, मतलब बहुत दिन हो गया, उसके बाद मैं कर रहा हूँ जर्नी, मतलब लगभग 3 महीने के बाद। तो जर्नी करेंगे, जर्नी करने के दौरान जो होगा आपका भाई क्या करेगा आपके लिए डिजिटली शेयर करेगा। तो एक शालीमार स्टेशन में आ रहा था, तो शालीमार स्टेशन में एक हो गया एक प्रॉब्लम, मेरा ट्रेन का डिपार्चर था 9:55, वो रिशेड्यूल करके रेक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो वो ट्रेन डिपार्चर करेगा रात को 11:55, मतलब सब 2 घंटा करके पीछे हो जाएगा। जर्नी रहेगा शालीमार से आसानसोल तक, नॉन स्टॉप जर्नी रहेगा, जो भी होगा आपका भाई आपके लिए डिजिटली शेयर करेगा। बहुत दिन के बाद मैं कर रहा हूँ ब्लॉग, तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या करना है इसके लिए थोड़ा सपोर्ट दिखाना है। सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, आपका भाई को एनर्जी नहीं मिलेगा, उससे क्या होगा मैं इन फ्यूचर आपके लिए बढ़िया जर्नी वीडियो नहीं ला पाऊंगा। इसीलिए जर्नी को एंजॉय करना है, और जो मेरे चैनल पर अभी तक नए आए हैं चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो क्या होगा मुझे बूस्टअप नहीं मिलेगा, बिकॉज बूस्टअप तो पता है आप लोगों को, बूस्टअप करना तो आप लोगों का आपको फर्ज है, तो बूस्टअप कीजिए, जर्नी को एंजॉय कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो आपको पता है आपका भाई को सपोर्ट नहीं, फिर से नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम में यूजर आईडी दिख रहा होगा, मैं कहाँ पे जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं अपडेट करता रहता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए करते हैं जर्नी हाईलाइट्स इंजॉय, बिकॉज जर्नी हाईलाइट्स इंजॉय नहीं करेंगे तो जर्नी करने का मज़ा आएगा नहीं। तो चलिए जर्नी हाईलाइट्स इंजॉय करते हैं। 1 2 3 फ्रॉम शालीमार टू आसनसोल। वेलकम टू माय चैनल विद ए न्यू जर्नी व्लॉग। फिलहाल मैं आ चुका हूँ शालीमार स्टेशन के एकदम अंदर, और आपको एक बात बता दूं, मैं पहली बार शालीमार स्टेशन से कोई ट्रेन बोर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले जो मैं ट्रेन बोर्ड करता था हावड़ा कोलकाता और सियालदह से ही ट्रेन बोर्ड करता था, तो आपको पता है इस बार नया स्टेशन सेलेक्ट किया हूँ शालीमार, बिकॉज पटना दुरंत जो है वो शालीमार से रवाना होता है। थोड़ा जगह जो है थोड़ा सही नहीं है, थोड़ा लोकेशन बढ़िया नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ट्रेन जर्नी दिखाना तो जरूरी है, इसीलिए मैंने क्या किया इस ट्रेन को सिलेक्ट किया। तो कोई बहुत दिन हो गया कोई दुरंतो वगैरह कोई प्रीमियम गाड़ी राइड नहीं लिया, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस ट्रेन का जर्नी दिखाया जाए। तो जर्नी हाईलाइट्स आप लोग एंजॉय किए कि नहीं किए कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताइए। और बहुत दिन मैं जर्नी नहीं कर रहा था, तो थोड़ा मोड़ा पर्सनल मेरा प्रॉब्लम था, तो आप लोग बता रहे थे जे भाई आप जर्नी क्यों नहीं कर रहे हैं, दादा क्यों जर्नी नहीं कर रहे हैं आप, तो थोड़ा पर्सनल रीजन था, थोड़ा वर्कआउट में थोड़ा ऑफिस में थोड़ा मैं बिजी हो गया था, तो इसीलिए मैं ट्रेन जर्नी का मौका मुझे नहीं मिल रहा था। तो मिला है मुझे मौका, तो चलिए मौके पर मारते हैं चौका। तो चलिए करते हैं जर्नी स्टार्ट। आज मेरा कोच नंबर है स्लीपर S2, ठीक है, S2 कोच है, और कोच सीट नंबर है 1, मतलब लोअर बर्थ मिला है मुझे, पहली बार लोअर बर्थ मिला है। तो चलिए कोच संटिंग देखेंगे, संटिंग के बाद बात करेंगे आपके साथ, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ।
तो गाइस ये देख सकते हैं एस टू कोच का मेरा सीट नंबर है 2, तो लोअर बर्थ का एक नंबर सीट। मैं आ चुका हूँ ट्रेन का लोकोमोटिव के सामने, देख सकते हैं क्या है सामने सेट का WAB7 लोकोमोटिव 37127 हम लोगों को करने वाला है लीड पूरा शालीमार से आसानसोल तक, लेकिन ट्रेन जाएगा पटना तक, मैं करूँगा वोट आसानसोल तक। तो चलिए कुछ के अंदर जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे, उससे बात करेंगे डिपार्चर, ठीक है डिपार्चर देखेंगे, तो जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। इस ट्रेन डिपार्चर होने से पहले आपको कुछ बात बता देना मैं पसंद करूंगा। इस ट्रेन में टोटल 15 कोचेस है, मैंने सोचा था ये ट्रेन आज एलएसबी होगा लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब जब फिर से एलएसबीफिकेशन का नोटिस आएगा या कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको इस ट्रेन पे जाएंगे पूरा इन टू एंड दिखा दूंगा। मेरा अच्छा हुआ कि ये ट्रेन एलएसबी नहीं हुआ, बिकॉज मेरा प्रॉब्लम था पूरा ट्रेन जर्नी आपको नहीं दिखा पाता, लेकिन जब ये ट्रेन एलएसबी होगा मतलब सही से एलएसबी होगा तो मैं क्या करूंगा पूरा जर्नी इस ट्रेन का जरूर आपको दिखाऊंगा। इन्फॉर्मेशन आपको बताने का टाइम हो गया, ट्रेन डिपार्चर जरूर देखेंगे, डिपार्चर होने से पहले ट्रेन का इन्फॉर्मेशन बताना मैं पसंद करूंगा। इस ट्रेन में टोटल 15 कोचेस, ठीक है 15 कोचेस में से जिसमें आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ स्लीपर कोच, टोटल 7 स्लीपर कोच है, 4 है आपका थर्ड एसी मतलब थर्ड एसी कोच, 1 सेकेंड एसी, 1 फर्स्ट एसी, बिकॉज दुरंत एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी इंडिविजुअल आपको मिल जाएगा, और 2 सेकेंड सीटिंग मतलब DL1 और DL2 आपको इस ट्रेन में अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन डिपार्चर देखेंगे, कोई पेंट्री कार वगैरह का फैसिलिटी इस ट्रेन में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज पेंट्री कार इस ट्रेन में फैसिलिटी नहीं है, बिकॉज रात को खुलता है सुबह को पहुंच जाता है, नॉन स्टॉप जो होता है ज्यादा किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, इसीलिए पेंट्री कार का सुविधा नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपको फिर भी बोलूंगा अगर आपको खाना वगैरह कैरी करना है घर से लाइए, कोई होटल से भी ला सकते हैं, घर से लाना पसंद है बिकॉज कोविड टाइम है, ओमिक्रॉन वगैरह का नहीं अभी बात चल रहा है, तो मैं बोलूंगा तो घर से खाना कैरी करना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं डिपार्चर, उसके बाद करेंगे वीडियो को आगे, ठीक है। तो चलिए सो गाइस एकदम ऑन 2 घंटा डिले, शालीमार स्टेशन से हमारा ट्रेन रवाना हो चुका है पटना के रास्ते, तो ये है डिपार्चर, एकदम छोटा स्टेशन देख सकते हैं। एक बार हुआ था मेरा क्या, मैं एक बार
कोंगो एक्सप्रेस में ट्रैवल कर रहा था, मतलब हावड़ा से लेके देहरादून तक। उस बार मेरा ट्रेन जो था डिले हो गया था ऑलमोस्ट 4 आवर्स। मतलब एक बार ये ट्रेन था तो वो ट्रेन डिपार्ट हुआ लगभग 6 बजे। तो वो वाला भी जर्नी जो था रोज जर्नी था, मतलब सही नहीं था। इस बार भी क्या वो हो गया, मतलब सही नहीं है इतना। मतलब ट्रेन था 9:55, अब तो एक पहले नया LHB मिलता तो वो भी नहीं मिला। उसके बाद ऊपर से 2 घंटा डीले, मतलब 11:55 में डिपार्चर हुआ। मतलब एकदम सही नहीं है। शालीमार स्टेशन का लोकेशन भी सही नहीं है एकदम। मतलब आने जाने का जो व्यवस्था है वो एकदम सही नहीं है, वो तो बहुत ही सही नहीं है। मतलब ये तो ना रोज नहीं है, मेरा सेकंड टाइम हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गाइज आपको वॉशरूम दिखाएंगे इस ट्रेन का, शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस। लेकिन वॉशरूम दिखाने से पहले सामने जो मिरर है देख सकते हैं एकदम क्लीन चकाचक है, थोड़ा डार्क स्पॉट है। वाटर डिस्पेंसर पानी वगैरह सारा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पे सोप होल्डर है लेकिन सोप नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए लेकिन यहाँ पे है फायर एक्सटिंग्विशर, देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वॉशरूम के अंदर क्या है या नहीं है। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस के एकदम बाल सही नहीं है एकदम वॉशरूम के अंदर। वॉशरूम देखने से पहले सामने जो मिरर है देख सकते हैं क्लीन नहीं है, डार्क स्पॉट लगा हुआ है। यहाँ पे सोप होल्डर है, वाटर डिस्पेंसर पानी वगैरह आ रहा है, पानी वगैरह आना तो चाहिए बिकॉज 2 घंटा डिले खुला है। यहाँ से पानी नहीं आएगा तो क्या। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मौका दिया हुआ है, चेन से बंधा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक डस्टबिन है और वेस्टर्न स्टाइल का एकदम क्लीन है, बहुत बढ़िया नहीं बोलूंगा लेकिन क्लीन है एकदम, ठीक है। और यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक फ्रेश लाइट है और यहाँ पे एक होल्डर है, यहाँ पे भी एक होल्डर है, यहाँ पे आप कपड़ा वगैरह रख सकते हैं। और वॉशरूम का कंडीशन बोलूँ तो वॉशरूम का कंडीशन है एवरेज, ठीक है, बहुत बढ़िया रिव्यू। अगर 10 में से मैं रिव्यू दूंगा तो 10 में से दूंगा 7, ठीक है, 3 में काटूंगा बिकॉज बहुत बड़ी वॉशरूम में नहीं बोलूंगा। नया LHB मिलता तो नया LHB का वॉशरूम जितना बढ़िया मिलेगा तो मैं आपको रिव्यू दूंगा, ठीक है। तो वो अब मेरा ब्लॉगिंग में मेरा काम है और आपका काम क्या है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को करते हैं आगे।
देर में आसनसोल जंक्शन जो मेरा डेस्टिनेशन है कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो जब मैं बताऊँ तो अभी तक तो लगभग सही रहा, थोड़ा रोस्ट हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था, वो सही रहा, लेकिन जो रन अभी तक जो दिया है मतलब पूरा बढ़िया अभी तक रन दिया है, मतलब बहुत अच्छा रन दिया है। दोनों तो एक्सप्रेस जैसा होता है मतलब बढ़िया रन दिया है, 130 नहीं मारा, ICF ने तो 110 ही करेगा, तो रन बढ़िया हुआ है। चलिए बात करेंगे सीधा आसनसोल जंक्शन पे, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए। गाइस 215 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल जंक्शन, स्टेशन कोड ASN। बहुत बार मैं आपको कवर करके दिखा चुका हूं। तो मेरा बस जर्नी यही तक था आसनसोल तक। तो जर्नी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताना है, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलेंगे बहुत ही जल्दी बहुत ही बढ़िया ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टिल देन प्लीज फ्रॉम आसनसोल दुरंतो एक्सप्रेस IRF सुबोधी साइनिंग ऑफ।